हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने जीएस पेपर वन की एक नई सीरीज के साथ हाजिर हूँ, जनरल स्टडी पेपर वन, जिसका पॉइंट नंबर 6 आज हम करेंगे, जिसका टॉपिक है भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ये प्रॉपर एक टॉपिक दिया हुआ है, आप अगर इसके सिलेबस पे नज़र डालेंगे तो पॉइंट नंबर 6 ये टॉपिक है, आज हम इसको प्रॉपर कवर करेंगे। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका ये टॉपिक कवर हो गया जीएस वन का। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 टोटल का सिलेबस देख सकते हैं, उसकी वीडियो का लिंक मैंने आपको दे दिया है। जो भी सिलेबस है, कौन सा टॉपिक कहाँ से और कौन सी बुक से मिलेगा, सब मैंने उसमें डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। तो आप इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिसको इसकी ज़रूरत हो उसे वो चीज़ मिल जाए। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आगे टॉपिक, वो टॉपिक की पीडीएफ आपको मिलेगी या तो हमारे पेज पे, सक्सेस मंच पेज जो हमने बना रखा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आपको ये पीडीएफ इसी फॉर्म में आपको मिलेगी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो पॉइंट वाइज ये सिनॉक्सिस के फॉर्म में है, जो आप पढ़ के और इसके नोट्स बना सकते हैं। आप खुद भी नहीं भी बनाएंगे तो आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, पीसी में ये रहेगा, और आप इसे 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। पेपर के एंड टाइम में ये आपके बहुत काम आएंगी। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। आपकी ही रिक्वेस्ट पे मैं एक आध वीडियो और लेकर आने वाली हूँ। कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि महापाषाण युग की संस्कृति और समाज के बारे में बताइए, तो मैं उस पर जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊँगी। उस पर हम लोगों की टीम की कोशिश जारी है, और साथ के साथ मोटिवेशनल वीडियोज़, और जो आप मेंस की आंसर राइटिंग में प्रॉपर प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे आंसर राइटिंग लिखें, कैसे आप इंट्रोडक्शन लिखें, मेन बॉडी लिखें, कंक्लूजन लिखें, सबके ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियोस आएंगी। बस आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और डेली एक वीडियो कोशिश करूंगी कि अपलोड करूं, डेली के डेली एक वीडियो, जो आपके बहुत बहुत काम आएगी, बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज हम पढ़ाई करते हैं भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएँ, जनरल स्टडी पेपर 1, पॉइंट नंबर 6। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। आज हम पढ़ेंगे समाज क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, और भारतीय, हमारा जैसे कि टॉपिक है भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं, तो मेन फोकस हम करेंगे यहाँ पर विशेषताओं पे। मेन फोकस होगा विशेषताओं पे, क्योंकि मेन हमारी हेडिंग यही है, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिक कुछ कहानी सिर्फ एक लाइन दे दी है, तो हम इसमें समस्याओं के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे कि भारतीय समाज में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो आज हम समाज क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, उसकी हमारे भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं और उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, इस चार टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। समाज, समाज दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस अज समाज होता है। सम का अर्थ होता है इकट्ठा रहना, और अज का अर्थ होता है साथ रहना, मतलब मिलकर इकट्ठा रहना। तो प्रॉपर मीनिंग हो गई, समाज और का शब्द का अर्थ हुआ एक साथ रहने वाला समूह। आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जब भी आप पेपर में आंसर राइटिंग करें, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, शब्द होते हैं, जो आपको संधि विच्छेद करके बताना पड़ता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें आप प्रॉपर आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे। समाज का पहले आप प्रॉपर मीनिंग बताएंगे कि ये कैसे बना हुआ है, फिर उसका मीनिंग क्या होता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैं डायग्राम यहाँ यूज़ कर रही हूँ, आप मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से ये डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, इससे भी अच्छे डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, और डायग्राम यूज़ करने के एक्स्ट्रा मार्किंग होती है आंसर राइटिंग में। इसलिए आप कोशिश करें कि जहाँ पे यूज़ हो सकता है डायग्राम, वहाँ यूज़ ज़रूर करें। तो समाज का क्या अर्थ हुआ, एक साथ रहने वाला समूह। ये तो आप लोग बचपन से ही सुनते आए होंगे, समाज में ही हम लोग रहते हैं, पलते बढ़ते हैं। इसी में मैं भारतीय समाज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम समाज की कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि बड़े बड़े
बड़े बड़े सोशलिस्टों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं हमारे समाज के बारे में, उसके बारे में हम एक आध परिभाषा देख लेते हैं। जैसे कि एडम स्मिथ ने कहा है, मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निमित्त जो कृत्रिम उपाय किए हैं वह समाज है। आप प्रॉपर डेफिनेशन विथ ऑथर नेम आप याद करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि आप हाईलाइट वे में अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करें इस चीज को। नेक्स्ट परिभाषा है प्रोफेसर गिडिंग्स के अनुसार, समाज स्वयं एक संघ है, यह एक संगठन है और व्यवहार का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये प्रोफेसर गिडिंग्स के अनुसार, आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन के लिए कुछ नहीं होता कि आप दूसरों से अलग करेंगे, डेफिनेशन सेम ही होती है, सबकी सेम होती है। आप कोई भी एक यूज लर्न कर लें और उसको अपने आंसर राइटिंग में यूज करें। अब मैं आपको डेफिनेशन तो आपको पता चल गई और हम लोग बचपन से ही समाज में रहते हैं, मैं मेन नॉर्मल कॉमन वे में बताती हूँ कि भारतीय समाज होता क्या है। भारतीय समाज समन्वित समाज संस्कृति का एक अतुलनीय उदाहरण है। यहाँ प्रारंभ से ही विभिन्न विचारों, भाषाओं, परंपराओं, खान पान, रहन सहन, धार्मिक मान्यताओं आदि की विविधता उपस्थित रहती। आप सबको पता है कि यहाँ नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर है और साउथ इंडिया में अलग कल्चर है। भारतीय समाज की विविधता का एक प्रमुख कारण यहाँ उपस्थित भौगोलिक विविधता है। यहाँ हिमालय पर्वत है, यहाँ नदियाँ हैं, पूर्वी घाट की तरफ गिरती हैं, पश्चिमी घाट की तरफ गिरती हैं, यहाँ दक्कन के पठार मिलते हैं। मतलब कि ऐसे सारे फीचर इंडिया में मौजूद हैं जो वर्ल्ड में किसी एक जगह पर पाना असंभव है, इसलिए भौगोलिक विविधता भारतीय समाज में मौजूद है। यहाँ ऊंचे पर्वत, समुद्र तट और मरुस्थल है, तो दूसरी ओर बृहद मैदान और घने जंगल है, जैसे कि हमने अभी बात की। इसी कारण भारतीय समाज का विविध स्वरूप होना स्वाभाविक सा लगता है। मतलब कि भारतीय समाज विविधता में भी एकता है, जैसे कि हम लोग हमेशा पढ़ते सुनते आए हैं और हम लोगों को पता है। कितना बड़ा होने के बाद भी यहाँ बहुत भौगोलिक विभिन्नताएं भी हैं, सामाजिक विभिन्नताएं भी हैं, फिर भी हमारा भारतीय समाज एक समाज है, एकजुट है। तो हम इसी डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप अपनी लैंग्वेज में पेपर पे लिखने की कोशिश करें। आधे पेज के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय समाज को परिभाषित कीजिए। तो आप अपने शब्दों में लिखने के बाद ये जो डेफिनेशन मैंने दी है इसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ संस्कृति क्या होती है। संस्कृति होती है मनुष्य की अमूल्य निधि, उसकी संस्कृति है। संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें रहकर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है और प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता अर्जित करता है। होबेल का मत है, होबेल यहाँ पर एक ऑथर हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर होबेल, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। वह संस्कृति ही है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से, एक समूह को दूसरे समूह से और एक समाज को दूसरे समाजों से अलग करती है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आपको। जैसे कि हमारा नॉर्थ इंडिया का कल्चर है और हमारा साउथ इंडिया का कल्चर है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको हम डिफरेंट होना संस्कृति ही कहेंगे। जैसे कि पंजाब में भांगड़ा नृत्य जो है प्रसिद्ध है, ये वहाँ का कल्चर है, पंजाब का कल्चर है। इसी तरह आंध्र प्रदेश, केरल, यहाँ पे कुचिपुड़ी और कथकली, ये सब बहुत प्रसिद्ध डांस है, तो ये यहाँ का कल्चर है। दोनों के कल्चर में बहुत डिफरेंस है। इसी तरह खान पान में भी चेंज है। साउथ इंडियन लोग ज़्यादातर राइस खाना पसंद करते हैं, नॉर्थ इंडियन लोग रोटी पे ज़्यादा जोर देते हैं खाने पे, तो ये वहाँ का कल्चर है। इसी तरह हम बचपन से लेके बड़े हुए हैं तो हमने बहुत से डिफरेंट अपने अपनी फैमिली में कल्चर देखे होंगे, तो इसे कल्चर बोलते हैं, इसे समाज नहीं बोलते। जो हम अपनी फैमिली में देखते हैं हम समाज से सीखते हैं कल्चर। संस्कृति समाज के अंदर ही निहित होती है, हम संस्कृति समाज के से ही सीखते हैं। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन यहाँ पे कोट करना चाहूँगी, एक उन्होंने कहा है जो चीज़ें, संस्कृति का अर्थ मनुष्य का आंतरिक विकास और उसकी नैतिक उन्नति है, पारंपरिक सद्व्यवहार है और एक दूसरे को समझने की शक्ति है, इसे ही संस्कृति कहते हैं। तो आप जवाहरलाल नेहरू का ये कोटेशन भी दे सकते हैं।
और होबेल का जो मत मैंने ऊपर बताया ये भी आप कोट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक संस्कृति की डेफिनेशन के ऊपर आप लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन आएगा हमें आंसर राइटिंग उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। हम आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करेंगे जल्दी ही, थोड़ा बहुत कोर्स खत्म हो जाए फिर हम लोग आंसर राइटिंग पे आते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे जो इस पूरे जो सिलेबस है इसका मेन टॉपिक है, पॉइंट नंबर 6 का मेन टॉपिक है भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं। तो हम मेन विशेषताओं पर ही फोकस करेंगे, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए, अगर मान लो कुछ आगे या पीछे से क्वेश्चन पूछ लिया तो हम उसको यूज कर सकते हैं। विविधता, जैसे पहली विशेषता विविधता, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको भारतीय समाज में प्रजाति, जनजाति, जाति, भाषा, धर्म आदि आधारों पर व्यापक विभिन्नताएं विद्यमान हैं। आप लोगों को पता ही है यहाँ पर जातियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं, विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, धर्म बहुत सारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाषाएं बहुत सारी बोली जाती हैं। मतलब कि यहाँ इतनी विविधता है भारतीय समाज में कि जिसकी गिनती ही नहीं की जा सकती। पहला पॉइंट हम विविधता लिख सकते हैं। दूसरा प्राचीनता, भारतीय समाज बहुत ही प्राचीन है, आर्यव्रत से चला हुआ आ रहा है ये। गीता, महावीर और गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी विश्व भर में जीवंत बने हुए हैं। मतलब कि इतना पुराना है कि गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, गीता, ये सब आज भी पूरे विश्व में हमारी महानता को दर्शाते हैं, बताते हैं। सहिष्णुता, हमारे भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों, संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और प्रेम भाव पाया जाता है, तो ये हम इसमें एक विशेषता लिख सकते हैं। समन्वय, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारी जातियाँ, विभिन्न भाषाएँ, विभिन्न धर्म, प्रजातियाँ, बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन उन सभी अलग अलग तरह के लोगों में आपसी समन्वय है, आपसी भाईचारा पाया जाता है। बहुत संस्कृति है पर उसमें बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ाव बना हुआ है, लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। नेक्स्ट, ये दोनों एक साथ ही है, आध्यात्मिकता, हमारे भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता का भाव बहुत अधिक है। यहाँ पर जो इंडिया में पाया जाता है भौतिक सुख और भोग विलास को जीवन का चरम उद्देश्य नहीं माना जाता, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर होता है। इंडिया में ज़्यादातर, जैसे कि आप लोग देखते होंगे अपने फैमिलीज में, जो 50 और 60 के अराउंड पहुंच जाते हैं लोग, 60 प्लस, तो वो लोग ज़्यादातर भगवान के भजनों में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। तो यही हमारे भारतीय समाज की विशेषता है। धार्मिक या धर्म की प्रधानता, हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे धर्म हैं, अलग अलग धर्म पाए जाते हैं, और इसीलिए हमारे भारतीय समाज में धर्म की प्रधानता मानी गई है। तो ये 6 पॉइंट है विशेषताओं में। नेक्स्ट 6 पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, पूरे 12 पॉइंट हैं हमारी विशेषताओं में। वर्णाश्रम व्यवस्था, आपको जैसे पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, 4 वर्णों का व्याख्या किया हुआ है इसमें, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो 4 वर्णों की रचना की गई है भारतीय समाज के अंतर्गत। जाति व्यवस्था, ये व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीति में हित समूह, दबाव समूह और वोट बैंक की भूमिका को निभाने लगी है। मतलब कि लोग जहाँ पे अपना हित ज़्यादा देखते हैं उस तरफ झुकाव उन लोगों का ज़्यादा हो जाता है, तो विभिन्न जाति व्यवस्था पाई जाती है भारत में। कर्म का सिद्धांत या कर्म सिद्धांत, भारतीय समाज में कर्म को प्रधानता दी गई है, इसको काफ़ी महत्व दिया गया है। मतलब कि भारतीय समाज में ये कहा गया है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे मृत्यु के बाद, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो नर्क में जाएंगे। इसलिए यहाँ लोग इसी डर के कारण कर्म को प्रधानता दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म किए जाएं। संयुक्त परिवार, ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि भारत में संयुक्त परिवार की व्यवस्था है, लोग मिलजुल कर कुटुंब में एक साथ रहते हैं, सारे त्यौहार एक साथ मनाते हैं, एक साथ लोगों के सुख दुख में काम आते हैं, तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था भारत में पाई जाती है। पुरुषार्थ, हिस्ट्री में प्राचीन भारत में 4 तरह के होते हैं पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 तरह के पुरुषार्थ भारत में पुरानी किताबों में दिए गए हैं।
संस्कार। तो संस्कार का तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से होता है। जैसे कि भारतीय समाज में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और नैतिक शुद्धि की आवश्यकता मानी जाती है। मतलब कि भारत में लोग सोचते हैं कि मनुष्य का शरीर के साथ साथ मानसिक और नैतिक भी शुद्धि हो। और संस्कार कौन कौन से हैं भारत में, जैसे कि होते हैं नामकरण संस्कार होता है, विद्यारंभ संस्कार होता है। अब तो ये ज़्यादा नहीं होता, फिर भी कई कई जगहों पे ये चीज़ें भी पाई जाती हैं, अभी भी पाई जाती हैं। उपनयन संस्कार होता है, विवाह संस्कार, तो विशेषता हर जगह, इंडिया में हर जगह आप देखेंगे तो ये संस्कार पाया जाता है। तो ये विशेषताएँ हमारी, यहाँ पर 12 विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन जितने मार्क्स का आता है उसी के अकॉर्डिंग, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आप 10 विशेषताएं भी लिखेंगे तो आपके लिए बहुत होगा। तो आप इन विशेषताओं पर दो दो चार चार लाइन डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। आप पेज पे लिखें इन पॉइंट्स को और इसको डिस्क्राइब अपने शब्दों में करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समस्याएं। अब हमारे भारत में क्या क्या समस्याएं हैं, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आंख बंद कीजिए और भारत की समस्याओं पर ध्यान दीजिए। मैं फटाफट आपको एक बार रीड आउट करके बता दूं। अशिक्षा की समस्या है, शिक्षा बहुत कम है हमारे यहाँ, साक्षरता दर बहुत ही कम है। बाल विवाह अब वैसे पहले से बढ़ गई हैं, बाल विवाह अभी भी कई जगहों पर बाल विवाह की प्रथा चालू है, जो कि लोगों की नज़रों में नहीं आ पाती लेकिन होता है। दहेज प्रथा तो इंडिया में बहुत ही जगह है और ये खुलेआम हो रहा है, बिल्कुल भी इसको छुपाया नहीं जा रहा है। खुलेआम डौरी मांगी जा रही है और डौरी दी जा रही है। छुआछूत की समस्या, ये काफ़ी हद तक निवारण हो चुका है, सरकार ने बहुत सारे एक्ट लेकर आए हैं इसके ऊपर, फिर भी गाँव में कुछ जगहों पर अभी भी इसकी समस्या बनी हुई है। बाल श्रम, लोग अपने ही बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें खाने पीने के लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं हो पा रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं उन लोगों को अपने रोजगार चलाने में, अपनी रोजी रोटी चलाने में। बाल श्रम की समस्या इंडिया में ज़्यादा है और देशों के मुकाबले। बेरोजगारी की समस्या तो आप लोगों से बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं है। बेरोजगारी की समस्या बहुत ही ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है और कई तरह की बेरोजगारी होती है, जिसमें कि कारण भी इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि जनसंख्या विस्फोट है, अशिक्षा है, अकुशल श्रमिक है, संसाधनों का अभाव है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण बेरोजगारी हो रही है। लैंगिक असमानता मतलब कि लड़कियों और लड़कों की संख्या में असमानता। इसका प्रमुख कारण भारतीय समाज का पितृसत्तात्मक होना, मतलब कि पुरुषों को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है भारतीय समाज में। भ्रष्टाचार की समस्या, ये तो आप लोगों को सबको पता होगा कि भारत में भ्रष्टाचार की बहुत अधिक समस्या है, हर जगह हर क्षेत्र में करप्शन भरा पड़ा हुआ है, तो ये भारत की एक मेजर समस्या है। नेक्स्ट समस्या है गरीबी, जो कि भारत की एक मूल समस्या मानी जाती है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, परंतु आज टाइम ऐसा आ गया है कि लोगों को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, उसके लिए भी लोग मोहताज रहते हैं। तो आज हमने चर्चा की भारत की समाज और संस्कृति की विशेषताओं के बारे में, उसकी परिभाषा देखी और उसकी समस्याओं पर हम लोगों ने चर्चा की। आशा है आपको हमारी सीरीज पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी तरह की सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल को ऐसे ही वॉच करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।